जी नमस्कार दोस्तों, लीजिए एक बार फिर हाजिर हो गए हैं हम आपकी सेवा में। अभी हम लोग आए हैं मिल गेट पर, और मिल गेट पर जो है आज मेला लगा हुआ है। मेला लगा हुआ है हर 10 महीने की हर 10 तारीख को जो है यहाँ पर मेला लगता है। यहाँ जो है दुकानें लगती है और कई प्रकार की यहाँ पर जो है वस्तुएं, जो घरेलू वस्तुएं होती है वो वहाँ पर यहाँ पर मिल जाती है। चप्पल से लेकर आपको कपड़े तक मिल जाएंगे यहाँ पर। और एक विशेष बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो कपड़े होते हैं वो जो पुराने कपड़े होते हैं दोस्तों, जो पहने हुए कपड़े होते हैं उसको सील कर दूसरे कपड़े भी वापस, वो कपड़े धुलकर और प्रेस व्रेस करा कर वापस वो कपड़े बेचने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मिल गेट, देखिए दोस्तों ये रास्ता जो है इधर जोधपुर जा रहा है। और मैं 10 तारीख को इसलिए का मेला लगता है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपको सामने मिल दिख रही है ना, यहाँ पर जो मिल दिख रही है दोस्तों, अरे पापा चिंटू मैं बुला रहा हूँ, वो मिल में जो कार्य जो काम करते हैं उनकी सैलरी होती है 10 तारीख को, इसलिए जो है यहाँ पर ये मेला लगता है 10 तारीख को। तो लीजिए दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं मिल गेट, 10 तारीख का 10 तारीख हर 10 तारीख को यहाँ पर मेला लगता है। अभी हम आपको मिल गेट के जो मेला के दर्शन करा रहे हैं, देखिए नज़ारे देखेंगे आप मिल गेट। तो अब भैया पकड़ो, ऐसे पकड़ना ना, सामने रखना, जो आमली नहीं आनी चाहिए सामने रखो सीधा। देखिए दोस्तों जा रहे हैं आप दूसरी जगह, सीधा रखो है, देखो इधर दिखाओ, आप देख सकते हैं इतने सारे लोग हैं सब जगह दिखाओ, वेरी गुड। और हम भी मेल गेट में गए थे, मतलब लोगों को दिखाओ, लोगों को दिखाओ, देख सकते हैं आप बहुत भीड़ लगी है पाली में मेल गेट में, देखो भाई खूब सारी भीड़ है। एक जगह को बार बार चेंज मत करो, खूब सारी भीड़ है, खूब सारी भीड़ है दोस्तों, वो जो खूब सारी भीड़ है वो तो पीछे रहा। दोस्तों देखिए यहाँ पर है ये मिल, दिखाओ दिखाओ, ये देख सकते हैं आप, ये है दोस्तों उम्मीद मिल। देखिए दोस्तों ये है उम्मीद मिल दोस्तों, यहाँ पर जो मजदूर लोग काम करते हैं उनका जो पेमेंट रहता है, सैलरी आती है 10 तारीख को, इसके हिसाब से जो है यहाँ पर मेला लगता है 10 तारीख का। तो पकड़ो उंगली में आ रही है, अब देख सकते हैं खूब सारी भीड़ है यहाँ पे, देखो वहाँ पे ही भीड़, यहाँ पे देखो वहाँ पे ही भीड़, अब देख सकते हैं। दुकान दिखाओ, दुकान दिखाओ, यहाँ पहले ऐसे रहने दो, चेंज मत करना है ना, देख सकते हैं दोस्तों खूब सारी भीड़ है। और हम इसी भीड़ में बाइक से जा रहे हैं दोस्तों, ये मेला जो है शाम के समय ही लगता है, सुबह नहीं लगता है, ये करीब दोपहर को जो है 3 बजे शुरू हो जाता है और शाम को 7-8 बजे तो मान लीजिए 8 बजे तक चलता है ये मेला, उसके बाद में ये जो मेला बंद हो जाता है। अब देख सकते हैं पूरा वो सब है, ये जो बस जा रही है ये जा रही है जोधपुर के लिए दोस्तों। तो हम अब बाइक में पता नहीं कहाँ कहाँ, आज भीड़ है बेटा, कल ले लेंगे, देख सकते हैं इधर थोड़ी भीड़ कम हो गई है। अब दोस्तों हम आपको दिखाएंगे उस साइड का दृश्य, उधर जाएंगे उधर दिखाएंगे, मोबाइल से ही पकड़ना मत, ज़्यादा मतलब देख सकते हैं इधर एक भगवान जी का मंदिर है, हनुमान जी का, बजरंगबली जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। भाई 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 पापा पापा क्या कर रहे हो, मैं अभी गिर जाती। अब आप इधर का दिखाना है ना, इस दुकान इधर का देख सकते हैं आप, ये पूरी दुकान है, पाप
हिला मत भाई। दोस्तों यहाँ से मिलती है जोधपुर के लिए बसें, प्राइवेट बसें मिल जाएगी, सरकारी भी मिल जाएगी आपको यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी दुकानें लगी हुई है, लोग जो है ज़मीन पर बैठ के अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं। देखिए कितने बड़े बड़े है प्लास्टिक के, देखिए है ना, देखिए आप। और देखिए यहाँ गन्ना जूस वाला भी, देखो गन्ना जूस वाला भी आपको दिखाई देगा। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस का रास्ता जाना पड़ेगा। देखिए एम्बुलेंस कही है अभी, ये सामने दिखाओ ये है। तो दोस्तों एम्बुलेंस आगे निकल गई है और तो मेरे एक तो हाथ दुख रहा है, ऐसे रखो ऐसे कर रखो। चिट्ठी भेजो आप लोग। किसका रखना अभी है ना, दुकान दुकान है वो तो बना दी। आपने जब फोन दिया ना तब यूज आई थी, इसको भी ओपन था, अब वापस से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। इधर लो, इधर लो। दोस्तों देखिए यहाँ पर पुराने कपड़े मिलते हैं, जो पहने हुए कपड़े होते हैं ना वो कपड़े मिलते हैं यहाँ पर पहने हुए। बोलते रहो जी अभी। दोस्तों देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है, चहल पहल है यहाँ पर। ये हर 10 तारीख को मेला लगता है यहाँ पर। मौसम भी बहुत ज़्यादा सुहाना हो रखा है, देखिए मौसम देखिए आप कितना अच्छा लग रहा है मौसम भी। देखिए दोस्तों आप लोग ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर लोग जो है नीचे बैठ के जो है सड़क पर नीचे बैठ के जो है अपने वस्तुएं बेच रहे हैं। ये देखिए प्लास्टिक के बर्तन है यहाँ पर, गिलासे है कांच की। ये सामने जो आपको दिख रहा है राजू नमकीन भंडार, ये दोस्तों बहुत प्रसिद्ध जो है मिर्ची वड़े और समोसा कचौरी की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है। मैं जब छोटा था तब से ये दुकान जो है यहाँ पर लगी हुई थी और अभी भी जो है इसके 2-3 ब्रांच लग चुकी है पाली में। जी आप लोग ऐसा रखते हैं ना यार, मेरा कब से हाथ दुख रहा है, ऐसा रखो। वही 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 पापा, या तो मैं गिर जाऊंगी या मोबाइल गिर जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, खूब भीड़ भाड़ है, लोग भाग रहे हैं, कोई नीचे बैठ के अपनी वस्तुएं भेज रहे हैं। तो पूरी देखो आप देख सकते हैं पूरी दुकान है, कोई खिलौने बेच रहे हैं, कोई क्या कोई क्या। देखो ये कपड़ों की दुकान आ गई, ये भी कपड़ों की दुकान है और ये सब्जी बर्तन देख सकते हैं आप। और पूरी लाइन से लगी है भीड़, आप देख सकते हैं, आप खुद देख लो अपनी आंखों, देख सकते हैं आप। मतलब ये देखो बहुत लंबी लाइन है भीड़ की, बहुत लंबी लाइन भीड़ की है, देख सकते हैं आप। टोपी मिल रही है, किसी को क्या मिल रहा है, देखो कैसी कैसी दुकानें आ रही है, वस्तुएं आ रही है दुकानों पर। अब ये देखो इधर, ये वो क्या बोलते हैं कपड़ों की दुकान। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ओवर ब्रिज, अब जाएंगे हम ओवर ब्रिज की साइड। देखिए दिखाओ और दिखाओ ऊपर से, आप देख सकते हैं और इस ब्रिज जो भी बोलते हैं इसका नाम क्या है। ये दोस्तों और ब्रिज है पापा, हाथ दुख रहा है दिखाते दिखाते। हाय राम, देखिए दोस्तों चल नहीं करा, अरे जी चल नहीं करा था आपने यार। देखिए दोस्तों और भी इसकी चढ़ाई पर चढ़ते हैं हम लोग। अरे बता ना कितना वीडियो बना रहा है, मेल गेट तो। देखिए दोस्तों और ब्रिज देखिए आप, लीजिए अभिषेक भैया आपके मोबाइल को। आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम
सामने देखो इसको दिखना, आप देखो इसमें दिखना चाहिए यहाँ। तो हम लोग जो जा रहे हैं अब घर की ओर, ये हमारे घर जाने का रास्ता है दोस्तों। और ये देख सकते दोस्तों, ये देवांशी जो है मेरा राजकुमार, ये बाइक चला रहा है। मैंने इसको बाइक दे दी है, ये देखिए, देख सकते हैं, देखिए ये जो है, और ये हाथ ये हाथ तो पापा का इधर है, लेकिन एक हाथ मैंने ले रखा है और एक हाथ इसने जीजू ने लगा रखा बाइक। देखिए कितनी समझदार बच्ची है ये। मेरे को आती है बाइक चलानी, बाइक चलाने सीख गई है ये बहुत जल्दी, इतनी छोटी बच्ची होकर भी। और मेरी फ्रेंड समझती नहीं है कि है ना, मेरे को बाइक चलानी भी आती है। यहाँ एटीएम पर कितनी सारी भीड़ लगी हुई देखिए दोस्तों, बहुत भीड़ है क्योंकि आज मेल गेट में, आज क्या है कि दोस्तों संडे है, बैंक बंद है आज, इसलिए आज जो है एटीएम पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए दोस्तों ये जो कर रेस कम करो, देख सकते हैं आप मेरे को रेस कम, चलो देख सकते हैं दोस्तों। तो मेरे को बाइक चलानी भी आती है। आपके घर में किसी बच्चे को बाइक चलानी आती है हो तो मेरे को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके बता दीजिएगा प्लीज। और दोस्तों अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना शुरू कर दो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो है मस्त रहिए, खुश रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आपको।